हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब टेलर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CSIR नेट से रिलेटेड जो एग्ज़ाम है वो क्यों नहीं कंडक्ट कराया जा रहा है, और जो उसका ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है HRDGCSIR, तो उसने क्या अपडेट दिया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए बात करते हैं। तो देखिए, ये है ट्विटर का अकाउंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं HRDGCSIR, ये CSIR का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है। अब जो भी CSIR से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, या JRF का एग्जाम हो, या आपकी कोई भी ग्रेवेंस को अगर आगे बढ़ाना है, या कोई भी क्वेरी आपकी है, तो आप जो है ट्विटर पे जाके HRDGCSIR, जो कि लाइक CSIR का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, वहाँ पे आप ट्वीट करके कर सकते हैं। ठीक है, लिखिए यहाँ पे जो है, अगर आपका ट्विटर अकाउंट है तो आप लॉगिन करके आप HRDGCSIR जैसे ही आप डालेंगे, तो ये CSIR का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट ट्वीट का, जो कि CSIR HRDG ने किया है। तो आप स्क्रॉल डाउन करने पर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये ट्वीट, जो कि 2 घंटे पहले जो है ट्वीट किया गया है CSIR के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट पे। तो HRDGCSIR, तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिख रखा है कि द डेट फॉर कंडक्ट ऑफ CSIR नेट एग्जाम शैल बी फाइनलाइज्ड व्हेन द पेंडेमिक सिचुएशन स्टेबिलाइजेस एंड कम्युनिकेटेड ऑन द CSIR HRDG वेबसाइट। तो देखिए, इन्होंने क्या एक्सक्यूज दिया है कि जो CSIR नेट एग्जाम है वो इसलिए कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है क्योंकि जो पेंडेमिक की सिचुएशन है उसे देखते हुए ये जो है CSIR नेट का एग्जाम कंडक्ट नहीं करा रहे हैं। और इन्होंने ये मेंशन कर ले रखा है कि व्हेन द पेंडेमिक सिचुएशन स्टेबलाइजेस, तो इनका मतलब जब जो पेंडेमिक सिचुएशन है कंट्रोल में आएगी, उसके बाद वो कुछ फाइनलाइज करेंगे, और उसके बाद जो फाइनल करने के बाद जो डेट वो डिसाइड करेंगे वो CSIR HRDG की वेबसाइट पे जाके ये पेस्ट कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अजीब गरीब वाले ये ट्वीट किया है, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं DBT का एग्जाम जो कि ऑलरेडी होने वाला है 14 अगस्त को, इसके अलावा ICMR का भी जो एग्जाम है वो भी आपको नेक्स्ट मंथ देने को मिलेगा, इसके अलावा ASRB का जो एग्जाम है, ASRB नेट, और जो सीनियर टेक्निकल ऑफिसर का एग्जाम है वो भी जो है 23 अगस्त से 27 अगस्त तक जो है कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो है UPPSC के एग्जाम्स हो रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि जितने टाइप्स के एग्जाम है सारे हो रहे हैं, लेकिन CSIR नेट जो है वो अपना एग्जाम इसलिए नहीं करा रहा है क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन को देख रहा है, यानी कि पेंडेमिक की वजह से क्या है वो अपना जो एग्जाम नहीं करा रहा है। ठीक, CSIR नेट JRF का। तो देखिए, ये बहुत ही, मुझे तो नहीं लगता है कि ये कोई एक एक्सक्यूज एग्जाम ना कराने का, जब ऑल टाइप के एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो ICMR हो, चाहे DBT हो, चाहे ASRB है, तो CSIR नेट एग्जाम क्यों नहीं करा रहा है? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो CSIR के पास जो है फंड खत्म हो गया है, उसके पास इतना भी अब फंड नहीं है कि वो जो है अपना लाइक एग्जाम कंडक्ट करा पाए या बच्चों को जो है फेलोशिप दे पाए, इसीलिए मुझे लग रहा है वो जो है एग्जाम को पोस्टपोन करता जा रहा है। तो अब मुझे क्या लगता है कि अगर ये CSIR का नेट का एग्जाम जो है ये अगर पेंडेमिक सिचुएशन को देख रहे हैं, तो ये तो हमें भी नहीं पता ना आपको पता है कि पेंडेमिक सिचुएशन जो है वो कब स्टेबलाइज होगी। ठीक है, ये इसे 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी, 2 साल भी, तो क्या ये CSIR नेट का एग्जाम नहीं कंडक्ट कराएंगे? तो ये लग रहा मे भी कुछ और रीजन होगा जिसकी वजह से एग्जाम को पोस्टपोन कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो है हर बार ये अपना जो है ट्वीट दे देते हैं हर 15 दिन में कि हम जो है आपको अपने से लाइक के ट्विटर हैंडल पे आपको जो है अपडेट करेंगे कि एग्जाम का डेट क्या है, या आप CSIR HRDG की वेबसाइट पर जाके जो है आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे, तो इस टाइप में मुझे लग रहा है ये बस आपको 15 15 डेज पे बस अपडेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट डेट विल बी फाइनलाइज सून सून करके। तो मुझे लगता है कि इनके पास मे बी फंड नहीं है, या इनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि ये एग्जाम को कंडक्ट करा पाए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर ये जो है मे बी, अगर मान ली 15 20 डेज बाद जो है अगर ये जो है कोई डेट निकालेंगे, तो वो मे बी सितंबर में होगा। अब सितंबर में जैसे कोई डेट निकालेंगे एप्लीकेशन की आई, तो उसके बाद मिनिमम 1 मंथ तो लगेगा ये सारे अरेंजमेंट करने के लिए। तो मुझे तो ऐसा लगा कि आपका जो एग्जाम है वो मे बी नवंबर दिसंबर तक जो है वो स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना अब क्या है, अब आपको एक ही काम है, आप जो है HRDGCSIR का जो ऑफिशियल हैंडल अकाउंट है ट्विटर का, वो ट्विटर का वो आप फॉलो करिए, और उसे रोज अपडेट देखते रहिए कि क्या वो लाइक आपको अपडेट दे रहे हैं। इसके अलावा आप CSIR HRDG की ऑफिशियल वेबसाइट को भी चेक करते रहिए कि इसी वेबसाइट पर जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा वो आपको CSIR HRDG की ऑफिशियल वेबसाइट को ही देखने को मिलेगा। तो टिल देन आप अपनी जो पढ़ाई है वो करते रहिए,
ताकि आपका जो तैयारी है वो अच्छे से हो जाए। आप अपनी तैयारी करते रहिए, जितने अदर एग्जाम है, चाहे वो DBT का हो, चाहे वो आपका SRB, चाहे ISMR, तो इन एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते रहिए, इनकी क्योंकि इनकी डेट भी ऑलरेडी अनाउंस हो गई है। और आप अपनी तैयारी करते रहिए, जब CSIR का एग्जाम आएगा, जब एग्जाम होगा, तब आप उसके लिए ताकि प्रिपेयर रहे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है? तो हो सके तो ये वीडियो को आप और भी लोग को फॉरवर्ड करिए, ताकि जो है ये इन्फॉर्मेशन और लोगों के पास भी जाए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।